today we will start estimation, means approximation. In our daily life, we come across several conditions and the use of numbers. And the use of numbers, sometimes we do not state the exact numbers as an answer to the question. This requires us to tell how many, and in such situation, we round off the nearest 10,000. This is known as estimation. Estimation क्या होता है? देखो पहली चीज, estimation हम daily life में आए दिन कोई ना कोई estimation हम करते हैं, ठीक है? जैसे एक example कि मान लो आपके पापा ने आपको कुछ पैसे दिए, ठीक है? मान लो 5,500 rupees दिए, ठीक है? अब वो 15 days बाद या 20 days बाद आपको बोला पापा ने कि मैंने उस दिन आपको पैसे कितने दिए थे, आपको एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, मगर आपने 5,500 आपको याद नहीं रहा, तो आपने कहा कुछ 5,000 के आसपास कुछ थे अमाउंट, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, 5,000 के आसपास। तो यहाँ पर क्या है, आपने एस्टिमेशन किया कि आपने, आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं था, तो आपने उसको, उसका जो नियरेस्ट 1,000 था वहां पे आपने उसको एस्टिमेशन कर दिया, तो इसे कहते हैं एस्टिमेशन, ठीक है? तो एक्टिविटी 1, टेक द वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर हैंड, वीट, कॉर्न, सोयाबीन, पीनट, पेपर, कोई भी कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है? कुछ भी आइटम्स ले हो और उसमें, और उस अपने फ्रेंड को बोलो कि उसमें एस्टिमेट द नंबर, मतलब उसको एस्टिमेशन लगाओ उसका कि कितने 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 नंबर है उसके, ठीक है? क्या क्या उसका मतलब वो कितने कितने हैं, आपने जितनी सारी चीजें ली है वो उसको काउंट करो एक एक। नाउ काउंट इट एंड सी विच ऑफ योर फ्रेंड करेक्टली गैस, और कौन से फ्रेंड आपको करेक्टली गैस कर सकता है, कौन सा करेक्टली उसने इसको काउंट किया, ठीक है? समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या है, हमने बीट ग्रेन्स लिए, कॉर्न, मोटे के दाने ले लिए, सोयाबीन बहुत सारी ले ली, पीनट्स ले लिया, तो अब हमने उसको एक एक पीसेस को काउंट किया, तो आपका फ्रेंड कौन सा उसको करेक्टली काउंट कर लेगा वो आपको बताना, ठीक है? एक्टिविटी 2, एस्टिमेट द वेट ऑफ फॉर योर ऑफ एवरी फ्रेंड एंड मेक द टेबल एज अ गिवन बिलो। नाउ वेट ऑल फ्रेंड्स इन वेइंग मशीन एंड फिल द टेबल। अब देखो ये टेबल में हमें फिल करना है, इसमें क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट, कोई जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे उसका, उनका नाम लिखना है और उनका एस्टिमेटेड वेट और एक्चुअल वेट। एस्टिमेटेड वेट मतलब कि जैसे मैंने आपको आपको देखकर गैस किया कि इसका आई थिंक वेट 50 के अराउंड होना चाहिए या 40 के अराउंड होना चाहिए, ये क्या है, एस्टिमेशन वेट है। और एक्चुअली वेट कितना है उसका वो लिखना है, ठीक है? आपने कितना एस्टिमेशन लगाया उसका, उसको देखकर उसका वेट और एक्चुअली वेट कितना है, ठीक है? नाउ सी हाउ मेनी ऑफ यू गैस द करेक्ट वेट, हाउ मेनी ऑफ यू गैस द वेट क्लोज टू द एक्चुअल वेट, हाउ मेनी गैस द वेट नॉट क्लोज टू एक्चुअल वेट। अब देखो, अब उसमें क्या है, कौन से स्टूडेंट ने, कौन से कितने बच्चों का आपने वेट करेक्टली गैस किया था, जो एस्टिमेशन आपने निकाला था उनको देखकर इसका वेट इतना होगा, तो कितने बच्चों का आपने सही तरीके से वेट गैस कर पाए और कितनों का आप एक्चुअल वेट के आसपास थे, ठीक है? और कितने बच्चों का वेट एक्चुअल वेट के आसपास नहीं था, तो ये हमें बताना है। Now play a game with all of your friend and guess the note the following। और इसमें क्या है, आपको एक गेम खेलना है जिसमें कि आपको ये जो ब्लैंक्स हैं इसको फिल करना है, ठीक है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ योर क्लास आर, आपके क्लास की लेंथ और ब्रेथ आपको मेजर करनी है और कितने मीटर होगी, कितने मीटर है वो आपको मेंशन करना है। लेंथ ऑफ योर डेस्क, आपकी जो जिस पे आप डेस्क पे आप पढ़ते हो क्लास में आपकी उसका लेंथ कितनी है वो आपको मेंशन करना है। नंबर ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं वो आपको मेंशन करनी है। डिस्टेंस बिटवीन योर क्लासरूम एंड वाटर हट इज वो, मतलब कोई अगर आसपास में कोई तालाब वगैरह होगा तो वहां से लेकर आपकी क्लासरूम तक, वाटर हट मतलब जो जैसे जो आप यहाँ पे जैसे नीचे कूलर लगा है ना आपके स्कूल में, जो नीचे कूलर लगा है वहां से लेकर आपकी क्लास तक कितना डिस्टेंस है, मतलब नीचे के जो आपका वाटर कूलर लगा है वहां से लेकर आपके क्लासरूम तक कितना डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है।
The friend whose guess is the most correct is a winner. जो भी इसको सही guess कर पाएगा वो उसका winner होगा इस game का. Rounding of the numbers was yes 10. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम 10 ये 1 by 1 हम 10, 100, 1000 सब में round off करेंगे. पहले हम 10 का कर रहे हैं, ठीक है. जैसे consider the number 53, 55, 58. ये एक number line बनी हुई है. यहाँ पर हमें 53 हमें तीन नंबर दिए हैं 53, 55 और 58 और हमें इसमें बताना है. We have to tell that between which number does these three number lies? कौन से नंबर्स के बीच में ये नंबर आते हैं. जैसे कि 50 और 60 के बीच में 53 आएगा, ठीक है. और सेकंड में क्या बताया कि on the number line 53 is closer to 50 than to 60. मतलब क्या है, 53 50 के पास है 60 के कंपैरेटिव. Therefore 53 is round off to the nearest 10. और 50 क्या है, 53 का round off है, ठीक है, उसका round off है. और on the number line 58 is closer to 60. और जब 58 है वो किसके round off कर सकते हैं, उसको 60 पे कर सकते हैं क्योंकि वो 60 के close है. Therefore the 58 is round off to the nearest 10. और 58 किसके round off है, 60 के, ठीक है. 55 किसके, वो middle में आता है 50 और 60 के बीच में. तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, दैट 5 एज वेल एज मोर देन 5 आर कंसीडर टू द नियरेस्ट 10. अगर 5 ज्यादा और 5 कम, ठीक है, अगर हम उसमें 5 ज्यादा ऐड करेंगे तो वो 60 के नियरेस्ट आ जाएगा और 5 लेस करेंगे तो 50 के नियरेस्ट. तो इसके 55 इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 और 55 किसके राउंड ऑफ होगा, हम 60 के. मतलब क्या है, उसको हम आगे 55 है तो 55 के हम आगे वाला राउंड ऑफ करेंगे, पीछे वाला राउंड ऑफ नहीं करेंगे. तो आप 55 को भूल जाओ, 50 को भूल जाओ, 55 का राउंड ऑफ क्या होगा, 60. मतलब जो नेक्स्ट 10 नंबर होगा वो उसका राउंड ऑफ होगा. राउंडिंग ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 100. लेट अस कंसीडर 843 लाइज बिटवीन 800 एंड 900. हमें अगेन वी आर गिवन थ्री नंबर्स 843, 887 एंड 850. Now we have to tell among which number these numbers lies. ठीक है, तो कौन से numbers के बीच में ये number आ रहे हैं. तो numbers किसके बीच में आ रहे हैं, 800 और 900 के बीच में. तो अब number line में क्या दिख रहा है कि जो 843 है वो उसका round off क्या होगा, 800, क्योंकि वो 850 से कम है. Because it is less than 850, that's why we are taking round off of 800. We are taking the round off number is 800. 800, ठीक है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 इज 800. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 887 इज मोर देन 850, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 इज 900, ठीक है. तो नियरेस्ट 900 क्या होगा, 900 इसका 887 का, क्योंकि ये 850 से ज्यादा है. इट फॉल्स टू द नियरेस्ट 900 देन टू 800, सो इट इज राउंड ऑफ टू 900. तो इसलिए हमने इसको 900 लिया है क्योंकि वो 900 के पास आ रहा है. Hence the number is 887, ये सब हो गया. 850 क्या, 850 lies between, अगेन वही चीज आ रही है जो हमने 10 में करा था थर्ड पार्ट. यहाँ पे 850 होता तो 850 क्या होता, 850 इसका राउंड ऑफ क्या होता, हम 850 अगर मिडिल में आ रहा है तो वहां पर हम प्रीवियस 100 नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट 100 जो भी उसके बाद आ रहा है 900 वो लेना है. तो हमें 850 के बाद नेक्स्ट 100 कौन सा आ रहा है, वो 900 आ रहा है, इसलिए हम उसको 900 लेंगे. और अगर 950 से कम होगा तो हम उसको जो प्रीवियस 100 आया वो लेंगे, जो कि 800. और अगर 850 से ज्यादा होगा, 850 होगा तो 900 पे चला जाएगा.